नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और रागगिरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पिछले कई वर्षों से आपकी मुलाकात करा रहा है संगीत के बड़े कलाकारों से, आपको जागरूक कर रहा है हिंदुस्तानी संगीत के उन पहलुओं से जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है, वही हमारी जड़ें हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, हम बहुत आभारी हैं उनके, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मुश्किल और अपने इस मुश्किल वक्त में और अपनी व्यस्तताओं के बीच हमारे लिए समय निकाला। तो पहले तो मैं स्वागत करता हूं अजय प्रसन्ना जी का और उसके बाद मैं देता हूं उनका परिचय। लेकिन पंडित अजय प्रसन्ना जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। वैसे तो कहा जाता है कि संगीत की कोई सीमाएं नहीं होती, संगीत सरहदों से परे होता है। अक्सर रागगिरी में भी हम ये बात कहते हैं, लेकिन आज लालच आ रहा है और इस लालच के लिए मुझे माफ कीजिएगा आप लोग, लेकिन लालच आ रहा है ये बताते हुए कि मेरा संबंध भी उसी शहर से है जिस शहर से हमारे आज के कलाकार हैं। और बहुत गर्व के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंडित अजय प्रसन्ना का जन्म इलाहाबाद में हुआ, वो इलाहाबाद में पढ़े लिखे और मैं भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ जहाँ से अजय जी पढ़े हुए हैं। तो अजय जी, क्या यादें हैं इलाहाबाद की, क्या याद आता है इलाहाबाद का जो अब तक जहन में ताज़ा हो? इलाहाबाद की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो याद नहीं आती, क्योंकि इलाहाबाद जो प्रयाग जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ बचपन बीता, जहाँ मैंने अपने पिता अपने गुरु पंडित भोलानाथ जी से संगीत सीखा, और वो छोटी सी मेरी शैतानियाँ छोटी छोटी, जिसमें से छोटी बांसुरी लेके मैं रियाज करना, और उसके बाद फिर बड़ा हुआ, फिर कॉलेज में एक बांसुरी वाले के नाम से फेमस हो गया, और बस वो अब आपके सामने हूँ। बचपन में जो रियाज़ किया वो सब किया, आप लोगों के सामने शैतानी कर करके खूब रियाज़ किया, बस यही है। इलाहाबाद की बात हुई अजय जी, और अब आपको ले चलता हूँ मैं बचपन में, और बचपन में उस समय में जब आपने बांसुरी पकड़ी और आप देखते थे अपने पिता महान बांसुरी वादक भोलानाथ जी की संगीत साधना, तो क्या कुछ याद आता है बचपन में? क्योंकि हमने तो सुना है कि आप चोरी चोरी उनकी बांसुरी कि जो रियाज होता था या जो उनकी साधना थी उसको चोरी चोरी देखा करते थे, क्या थी वो बदमाशियां, जरा बताएं। बदमाशियां कह लीजिए, उस टाइम बहुत तो ध्यान नहीं, लेकिन 3 साल की उम्र में मैं जब छोटी बांसुरी लेकर एक उनके बजाए हुए रागों को सुनता और कोशिश करता बजाने की, क्योंकि ना कोमल स्वर का पता था ना शुद्ध स्वर का पता था, बांसुरी उठा ली और बजाने की कोशिश करने लगा। उनका कमरा और हमारा कमरा थोड़ा अलग अलग था, तो बीच में एक विंडो थी जहाँ पे मैं जुगत लगा के तकियों की और मैं वहाँ पहुँच जाता था और उनको सुनता था और बजाने की, मतलब ऐसा बजाता था कि कोशिश करता था कि साउंड उनके तक ना पहुँचे कि डांट पड़ सकती है। तो वो बजाते हुए मैं कोशिश करता था और बजाते बजाते मैं वही सो जाता था और पूरा घर ढूंढता होता था कि मैं हूँ कहाँ। तो वो शैतानी चलती रही, शैतानी क्या थी, बस वो संगीत का एक प्रेम था, बांसुरी का एक प्रेम था और इच्छा थी कि बांसुरी सीखूं अपने पिताजी से, लेकिन डर भी था कि इतनी छोटी सी उम्र में मैं उनसे क्या पूछूंगा, क्योंकि सारे बड़े बड़े वहाँ पे लोग बैठ के सीखते होते थे। तो वो चीज़ चुपचाप बस ऐसे जुगत से सीखता रहा। जब बड़ा हुआ तो फिर उन्होंने प्रॉपर सिखाना शुरू किया। अजय जी, आप बातचीत को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बहुत ही बेहद ही सुरीली बांसुरी लेकर बैठे हुए हैं, तो कोई एक भजन हो जिसके जरिए हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, तो एक कोई भजन हमारे दर्शकों के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। जरूर जरूर, मैं कोशिश करता हूँ। Thank you.
भोलानाथ जी का जो अपना परिचय है वो भी बहुत विशाल है, लेकिन उनका एक परिचय ये भी है कि आज जिन्हें बांसुरी का पर्याय माना जाता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को, उनके वो गुरु थे। तो एक तरीके से जो हरिप्रसाद जी से आपका आपका संबंध है वो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का स्नेह आपको हरिप्रसाद जी से मिला है, किस तरह से आज जब वो उम्र के लिहाज से देखें तो वो आपके गुरु के समान भी हैं, पिता के समान भी हैं, तो वो जो आप लोग के संबंध हैं उन पर आप जरूर कुछ बताएं हमें। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जिनको मैं बड़ा भाई बोलता हूँ, भैया बोलता हूँ और बांसुरी के भगवान बोलता हूँ, उनके साथ जब भी मेरा रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे बड़ा कलाकार जो हमारे घर में सीखे, पिता पंडित जी भोलानाथ जी से सीखे, तो वो मैं मेरा सौभाग्य कि मैं उस घर में पैदा हुआ और पंडित जी के साथ रहने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार तो उनके साथ पीछे बैठ के मैंने थोड़ा सा, उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती कहा कि नहीं तुमने बैठना है, तो मैंने कहा कि भैया आपके सामने तो मैं बैठ तो क्या मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं 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 बैठना है। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ थोड़ी देर के लिए स्टेज पर था और मुझे उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया। और जब भी वो मिलते हैं मुझे, बिना खाना खाए जाने नहीं देते, मैं उनसे उनके गुरुकुल में मिलने जाता हूँ या कहीं होटल में मैं मिलने जाता हूँ, कहीं कार्यक्रम में वो आए हुए थे, तो इतना इतना प्रेम, जैसे कि एक बड़ा भाई, एक बाप, एक पिता समान, एक गुरु समान, कि मतलब कि ऐसा प्रेम मैंने देखा नहीं। मैं पिताजी के कार्यक्रम के लिए उनको कभी मैं बोलता हूँ भैया आपके आशीर्वाद से मैं पिताजी के नाम से कार्यक्रम कर रहा हूँ, हाँ हाँ करो मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा कि कब है, कब आना है, क्या करना है, वो बस कहते हैं कि बस मुझे डेट बता दो मैं आ रहा हूँ और वो आ जाते हैं। ये बड़े भाई का और मतलब कि हमारे पिताजी का प्रेम कह लो उनके लिए, कि वो खुद ही भागे हुए चले जाते हैं और मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा अजय जी, हमने सुना है कि स्कूल में टीचर्स कुछ एक्स्ट्रा नंबर इसलिए दिया करते थे आपको क्योंकि आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे, क्या ये सच है? ये सच है क्योंकि बांसुरी सुन के लोग सोच, अरे नहीं नहीं, क्योंकि हर कार्यक्रम में, स्कूल के सारे कार्यक्रम में सबसे पहले मेरा नाम आता था कि भाई उसको बजाना है, पहले सोलो बजाना है, फिर उसके साथ हर किसी के साथ बजाना, हर कॉम्पिटिशन हम फर्स्ट लेके आते थे, ये पता नहीं क्या था, अब तो इसलिए नंबर हमें मिल जाते थे ज़्यादा। अजय जी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले क्यों ना एक बार फिर ये जो खूबसूरत और बहुत ही पवित्र सा साज आपके हाथ में है बांसुरी, उससे कुछ सुने, जो कुछ भी आपका सुनाने का दिल करे।
करूंगा अजय जी की इलाहाबाद से जो सफर शुरू हुआ, जो कह सकते हैं कि विश्व के तमाम देशों तक पहुंच चुका है, ये सफर कैसा था, इसमें कैसी चुनौतियां थी, क्या कभी कोई मुश्किलात भी आई, या चूंकि आपके साथ एक लेगेसी थी, आप एक बहुत बड़े कलाकार के पुत्र थे, उनके शागिर्द थे, तो चीजें आसान नहीं आपके लिए, इसे जरा विस्तार से समझाएं। ये बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली। एक बड़ा नाम साथ में जुड़ा रहने से आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी उस चीज़ को सोचता है कि भाई कम से कम तो अपने पिताजी के बराबर बजाए, कम से कम। और वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतना बजाना मुश्किल काम है, और ऐसे महान गुरु और ऐसे महान कलाकार के लिए उनका जैसा बजाना बहुत मुश्किल काम है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं वैसा बजाऊँ, लेकिन दिल्ली आने के बाद, अपने कार्यक्रम देने के बाद, कोशिश करता रहता हूँ कि प्रेम मिले, और प्रेम मिलता है ऑडियंस से, सभी से प्रेम मिलता है, और कुछ नए नए करने की कोशिश करता हूँ ताकि ऑडियंस को अच्छा लगे, और विदेशों में भी कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ ताकि उनको और भी अच्छा लगे कि इंडियन क्लासिकल कैसे थोड़ा सा अलग सा बज सकता है, तो वो कोशिश करके आज आप लोगों के सामने। अजय जी, हम ये बहुत सौभाग्य कम ही मिलता है जब आपसे इस तरह से रूबरू होने का मौका मिले, वरना हम लोग आपको बड़े बड़े ऑडिटोरियम में दर्शकों के बीच बैठकर ही सुनते हैं। तो आज रागगिरी के लिए एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ, कुछ सुनाएं, कोई राग सुनाएं, कोई सुबह का राग, क्योंकि उसको सुनने में शायद बांसुरी से और ज्यादा सुकून मिलता है और ज्यादा आनंद आता है। Thank you.
ये जो ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन है अजय जी आपका, मेरे ख्याल से 4 बार आप नॉमिनेट किए जा चुके हैं, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये भी हमसे शेयर करें। ये तो मेरी तकदीर अच्छी है मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि 3 बार मुझे ग्रैमी नॉमिनेशन मिला। एक बार शुजात भाई के साथ एक हमारा एल्बम थी जिसमें कॉटियन करके एक सिंगर हैं उनके साथ कुछ कोलैबोरेशन था, वो हमारी एल्बम गई। और एक एल्बम अनुष्का शंकर के साथ, इवन 2 एल्बम अनुष्का शंकर के साथ और हमारी एल्बम जो नॉमिनेट हुई। और इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ग्रैमी मिल जाए, आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि ज़रूर मिलेगा। बस ये इसकी खुशी मैं बता नहीं सकता कि मैं नॉमिनेशन में ही इतनी खुशी है, तो ग्रैमी जब मिल जाएगा तो आप लोगों के आशीर्वाद से तो फिर क्या होगा। अच्छा अजय जी, ये भी मैं समझना चाहूँगा कि जो बांसुरी है जिसमें एक लयकारी का पार्ट होता है वो जरा सा टेक्निकल समझाएं, और अगर आप ये भी समझा सकें कि ये जो अलग अलग किस्म की बांसुरी लेकर आप लोग बैठते हैं, एक लेमैन के लिहाज से अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि इन बांसुरियों के बीच का फर्क क्या होता है, क्योंकि शायद ये हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। जी एक्चुअली बांसुरी जो हम लोग क्लासिकल बजाते हैं वो डेप्थ के लिए बजाते हैं, मेडिटेशन के लिए बजाते हैं ताकि वो एक फील अलग दे। और छोटी छोटी बांसुरी हम लोग ले लेते हैं कि थोड़ा सा लाइट क्लासिकल हो जाए और ऑडियंस को थोड़ा सा हैप्पी लगे और एनर्जी आए। तो वही आप ये देखिए, प्रसाद जी ने फिल्मों में बहुत बजाया है तो ये कह सकते हैं कि स्वाभाविक सा एक प्रश्न मन में आ रहा है कि आपकी इच्छा कभी होती है कि आप भी फिल्मों में उस तरह से एक्टिव हो, और कुछ कोई ऐसा फिल्मी गाना एक दो जो आपको बहुत पसंद हो, अगर आप मुझे वो बांसुरी से सुनाएं तो हम आपके आभारी रहेंगे। जी मैंने बचपन में बहुत फिल्मी गाने बजाए हैं और अभी भी कोशिश करता हूँ, लेकिन छूट गई है आदत। और छोटी बांसुरी में बजाता था मैं, लेकिन अभी बड़ी बांसुरी सुना देता हूँ मैं आपको। मेरा बचपन का एक बहुत फेवरेट गाना था, फिल्मों की रिकॉर्डिंग में करने जाता हूँ, मुंबई भी जाता हूँ और काफ़ी फिल्मों में बजाया है, और दिल्ली में भी फिल्म के गाने आ जाते हैं मेरे पास डबिंग के लिए, तो मैं यही डब करके भेज देता हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि मेन क्लासिकल रहे मेरा, जिसमें मेरा दिल लगा हुआ है, जिसके लिए मैं इलाहाबाद से बड़े शहर में आया। ये मेरा दिल है, ये मेरा प्रेम है क्लासिकल म्यूज़िक।
इन दिनों क्या कर रहे हैं अजय जी, क्योंकि एक तो लॉकडाउन का समय है, किस तरह का प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, किस तरह से पॉजिटिव बनाए हुए हैं आप अपने आप को, वो भी हमें बताएं, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, लॉकडाउन को मैंने एकदम पूरा पॉजिटिव वे में समझा, सोचा, और यही एक ऐसा टाइम मिला जिसमें आपको जितना रियाज हमने भागा दौड़ी में कम कर दिया था, काम के सिलसिले में भागना, इधर से उधर करना, तो इस चक्कर में वो जो टाइम हमने काम के चक्कर में हमने जो टाइम निकाला, अब हमें टाइम मिला है कि हम घर बैठ के खूब प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस ही करें और कुछ नया करने को सोचें, कि ऐसे टाइम पे जब हमें पास कुछ काम नहीं है, कहीं निकलना नहीं है, तो हम कुछ नया सोच सकते हैं। तो खाली टाइम में बैठ के कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ मेरा भी मैंने कुछ प्लान भी किया है नया एल्बम आने के लिए, और कुछ नया है, कुछ अलग है, और रियाज करके हम खुद ही अपने मन को शांत करते, क्योंकि इतना अशांति फैल गई है बाहर कोरोना से डर, यहाँ तक कि मैंने एक राग भी बनाया कोमल तोड़ी, तोड़ी मीन्स तोड़ दिया कोरोना ने, और कोमल मीन्स हृदय, जो हमारा कोमल सा है, पूरे सबको तहस नहस कर दिया कि सब डरे फिर रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्यों है, कितने लोग मर भी गए बेचारे, तो इसलिए मैंने एक राग कोमल तोड़ी का भी मैंने बनाया था, वो मैंने काफ़ी बजाया भी इस दौरान, और बस नए नए एल्बम की नए नए कुछ कुछ क्रिएशन, नए नए क्रिएटिव वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ आप लोगों के सामने कुछ जो बहुत जल्दी आएगा। अजय जी, एक बार फिर आपका मैं शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से गुजारिश करूँगा कि अगर आप कुछ चीज़ें जो आपके दिल के बहुत करीब हों, चाहे आपके पिताजी की बजाई हुई हो या आपकी अपनी बजाई हुई हो, जिसकी फरमाइश बार बार आपसे होती हो, वो बजाएं, और उसके बाद फिर हम इस बातचीत को ख़त्म करेंगे इन शुभकामनाओं के साथ कि आप हमेशा यूं ही संगीत की जो खुशबू है बिखेरते रहें, आपकी संगीत साधना यूं ही चलती रहे, और आप आपके पिता से जो आपको संस्कार मिले, वो जो कह सकते हैं कि उन्होंने जो जड़ों की खुशबू बिखेरी भारतीय संगीत के, भारतीय संस्कृति के, उसमें आप भी कामयाब हों। तो पहले कुछ सुन लेते हैं आपसे, और फिर उसके बाद एक बार पुनः आपको धन्यवाद कहेंगे। जी, मैं उनकी एक पहाड़ी बजाने की बहुत कोशिश करता हूँ, और बहुत उसकी पहाड़ी को बहुत लोग पसंद भी करते हैं। तो जैसा हमने कहा था जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद रागगिरी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।